हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजनास किचन। मैं आपको आज बहुत ही अच्छी हलवाई वाली मटर पनीर की रेसिपी बताने जा रही हूँ। वैसे तो मटर पनीर बहुत से लोग बनाते हैं अलग अलग तरीके से, एक बार मेरी तरीके को भी, मेरी रेसिपी को भी ट्राई करके देखिएगा। बिल्कुल सिंपल मैं बना रही हूँ, ना इसमें दही काजू वगैरह कुछ भी मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल में बहुत ही अच्छी रेसिपी मैं आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको मसाले के इंग्रेडिएंट दिखा देती हूँ, उसके बाद सारे इंग्रेडिएंट मैं आपको दिखाऊंगी। मसाले में से मोटी मोटी चॉप कर ली है दो प्याज को, तरह से चौकोर हिस्से में, आप इससे भी मोटी बिल्कुल रफली चॉप कर सकते हैं क्योंकि इसे हमें पेस्ट बना रहा है मिक्सर में। 8 से 10 कली लहसुन हमने ले ली है, अदरक को मोटी मोटी चॉप कर ली है। थोड़ा सा मैं इसमें खसखस यूज़ कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन इसे डालने से एक अच्छी मीठी स्वाद आती है। तो थोड़ी रिफाइंड ऑयल मैं ली हूँ। तो चलिए सबसे पहले सारे मसालों को थोड़ा सा भून लेते हैं। 4 टेबल स्पून हमने रिफाइंड ऑयल ली है, तो 1 टेबल स्पून हम रिफाइंड ऑयल पहले मसाले को भूनने के लिए डालते हैं। देखिए 1 टेबल स्पून ऑयल हमने पैन में गर्म होने की रख दी है। ऑयल हमारी गर्म हो चुकी है, उसमें पहले जितने चीज़ें हमने काट करके रखी है, पहले अदरक लहसुन और प्याज को भून लेते हैं। बिल्कुल रफली चॉप करना है हमें इसे। इसमें मैं थोड़ी सी नमक ऐड करूँगी, इसे हमें पेस्ट बनाना है। टमाटर भी इसमें साथ में ही ऐड कर देते हैं और थोड़ी सी नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि जो हमारे टमाटर और प्याज हैं जल्दी से भुन जाए और सॉफ्ट हो जाए। फिर इसे ठंडा करके हमें पीसना है। 1/2 टीस्पून नमक मैं ऐड कर दे रही हूँ। और ये खड़े मसाले हमने लिए हैं कुछ, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 छोटी इलायची है, ये बड़ी इलायची के दाने हमने निकाल लिए, 4 से 5 लौंग है, तो छोटी इलायची के भी छिलके को मैं निकाल लेती हूँ इस तरह से। देखिए 2 इलायची जो हमने ली थी और बड़ी इलायची, सारे के छिलके हमने निकाल लिए, इसे हम इसी में ऐड कर देते हैं। और सारे चीज़ों को का हमें पेस्ट तैयार करना है मिक्सर में, तो इसे थोड़ी देर के लिए हम ढक देते हैं ताकि ये जल्दी से हमारा पक जाए और सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट के लिए ढक देते हैं इसे, और जैसे ही ये नरम हो जाएगी हम इसे ठंडा करके मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए मैं बाकी के इंग्रीडियंट आपको दिखा देती हूँ जब तक ये पक रही है। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, इसे चेक कर लेते हैं। इसे हमने ढक दिया था। देखिए ये प्याज और टमाटर और बाकी के मसाले हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और चलिए आपको मैं इंग्रेडिएंट दिखा देती हूँ और बाकी इंग्रेडिएंट इसे दिखा उसमें दिखा जैसे ये ठंडा हो जाए इसे मिक्सर में हम पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। गरम गरम इसमें इसे मत पीसिएगा, नहीं तो आप जल सकते हैं। चलिए बाकी के इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। देखिए पनीर हमने ली है 200 ग्राम और मटर हमने लिए है 150 ग्राम। ये हमारी फ्रोज़न मटर है, आप फ्रेश मटर भी यूज़ कर सकते हैं। यदि फ्रेश मटर यूज़ कर रहे हैं तो हल्का सा उसे बॉईल कर लीजिए या थोड़ी सी पहले फ्राई कर लीजिए। ये हमारी फ्रोज़न मटर है। ऑयल हमने दिखा दी थी 4 टेबल स्पून, थोड़ी सी ऑयल हमने मसाले को भूनने के लिए यूज़ किया। कोरिएंडर लीव्स ली है हमने गार्निशिंग के लिए। ये आप खसखस को मैं अभी मसाले में पीसूँगी। 1/2 टीस्पून हमने सौंफ ली है, थोड़ी सी हींग और नमक स्वाद के अनुसार। और ये मसाले हमने ड्राई मसाले लिए हैं। 1/3 टीस्पून हमने गोल मिर्च पाउडर लिया है, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। तो चलिए जो मसाले हमने भून कर रखे थे वो ठंडी हो गई है, उससे पहले पीस लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना है। देखिए जो प्याज टमाटर हमने भुने थे उसका इस तरह से पेस्ट हमने तैयार कर लिया है मिक्सर में, पानी हमने बिल्कुल नहीं डाला है। अब मैं ये जो ड्राई मसाले हमने खसखस और सौंफ हमने लिए,
ये दोनों मसाले बिल्कुल ऑप्शनल हैं, आप यदि नहीं चाहते तो नहीं भी डाल सकते, इससे ज़्यादा स्वाद में अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसे डालने से स्वाद थोड़ी अच्छी होती है, ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है। तो इन दोनों को हम पहले ड्राई ही इसे पीसेंगे, उसके बाद में मैं पानी डालकर पीसूंगी, क्योंकि ये गीली नहीं पिसाएगी। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने सौंफ और खसखस को ड्राई इसे पीस लिया है। यदि आप इसे पानी डालकर पीसेंगे तो ये नहीं पिसाएगी। थोड़ी सी इसमें पानी ऐड करके अब हम पहले ड्राई इसे पीस लेना, थोड़ी सी पानी ऐड करके इसका पेस्ट हम तैयार कर लेते हैं। देखिए थोड़ी सी पानी डालकर इस तरह का हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल सीक्रेट मसाले हैं, जो कि हलवाई अक्सर पार्टी में डाल मटर पनीर की सब्ज़ी में ज़रूर ऐड करते हैं, क्योंकि मटर पनीर में थोड़ी सी मिठास लाने के लिए इसे डालना पड़ता है। आपके यहाँ आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते, लेकिन इसे डालने से स्वाद हमारा मटर पनीर का और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे घर में पार्टी थी तो हलवाई से हमने पूछा था तो उन्होंने बताया था, तो मैं आपको इसलिए आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और हमने घर में भी बनाया तो घर में सारे लोग काफ़ी पसंद किए, इसलिए ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, ताकि आप भी बनाएं और अपने दोस्तों को खिलाएं। फ्रेंड्स मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो उसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, तो आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख सकते हैं। देखिए एक नॉन स्टिक कढ़ाई हमने ली है, आप किसी भी कढ़ाई में इसे बना सकते हैं। ये हमारी टीस्पून है, ये ऑयल जो हमने 3 टेबलस्पून ऑयल ली थी तो 1 टेबलस्पून ऑयल हमने उसमें डाल दी। ये 2 टेबलस्पून ऑयल जो बची थी उसे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। और जैसे ही ये गर्म हो जाती है हम इसमें दो चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी फ्रेंड्स, ये 2 तेज़पत्ते और 1/2 टीस्पून जीरा मैंने लिया है। जैसे ही ये तेल गर्म होती है इसमें हम जीरा ऐड करेंगे। देखिए ऑयल हमारी गर्म हो गई है, इसमें हमने तेज़पत्ता डाल दिया, जीरा, गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। देखिए जीरा हमारी क्रैकर हो रही है, बिल्कुल लो रखेंगे गैस का फ्लेम। और इसी तेल में हम हल्दी को डाल देंगे। तेल में हल्दी और मिर्च को डालने से कलर काफ़ी अच्छा आता है, बिल्कुल हलवाई की तरह। बाकी के मसाले भी मैं ऐड करूंगी पहले इसे। चलिए जितने मसाले हमने लिए हैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर मैं थोड़ी सी डाली हूँ और ये गोल मिर्च का पाउडर, सारे मसाले को हम इसमें डालकर बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे भून लेना है। और अब मैं इसमें अपने जो हमने मसाले को इस तरह से पेस्ट बनाकर रखा है उसे ऐड करेंगे। ये पोस्तू खसखस और सौंफ के पेस्ट को, बाकी के मसाले के पेस्ट जो हमने बनाए हैं वो भुनी हुई है तो उसे बाद में ऐड करेंगे। और इसे कंटिन्यू हमें चलाना है, गैस का फ्लेम हमें लो रखना है, नहीं तो मसाले हमारे जल जाएंगे। थोड़ी सी इसमें हम पानी ऐड करके इस मसाले को भी यूज़ कर लेंगे। देखिए ये मसाले थोड़ी देर भून चुके हैं, 1 मिनट हमने इसे भून लिया है। थोड़ी सी 1 पिंच हींग मैं इसमें डाल दूँगी। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है, मीडियम टू लो, ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह से भुने जले नहीं। ये भुने मसाले का जो हमने पेस्ट बनाया है प्याज टमाटर, इसे मैं डाल देती हूँ। आप चाहे तो इसे बिना भुने कच्चे भी टमाटर और प्याज की प्यूरी बनाकर डाल सकते हैं, लेकिन ये भुने मसाले का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, इसलिए मैंने इस रेसिपी को आपके साथ शेयर किया। तो इसमें जो मसाले हैं उसमें थोड़ी सी पानी ऐड करके मैं मसाले को यूज़ करूँगी। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे हमें अच्छे से इस तरह से चलाते हुए मसाले को भून लेना है। अब थोड़ी सी मसाले हमारे तो पहले से भुने हुए हैं, थोड़ी सी अच्छी तरह से भून जाए और मसाले के ऊपर तेल हमारा तैरने लगे, उसके बाद मैं मटर और पनीर ऐड करूँगी।
नमक हमने मसाले में ऐड की थी, मसाले भूनते वक्त हमने आधे हाफ टी स्पून नमक ऐड की थी, तो मैं नमक इसमें थोड़ी सी ही डालूँगी। तो चलिए इसे भून लेते हैं और ये मसाले में थोड़ी सी पानी डालकर इसे इसमें हम यूज़ कर लेते हैं। देखिए मसाले हमारे भून चुके हैं, आधे हमारे मसाले भून चुके हैं, थोड़ा सा हमें और भूनना है क्योंकि मसाले हमारे पहले से हमने भून कर इसे पेस्ट तैयार किया था। थोड़ा सा हम इसे और भून लेते हैं, जैसे ही ऑयल हमारी ऊपर आने लगती है फिर हम इसे इसमें मटर और अपने पनीर को डाल देंगे। तो थोड़ा सा और हम इसे इस तरह से लगातार चलाते हुए भून लेते हैं। देखिए मसाले में से ऑयल बाहर आने लगी है, मसाला हमारा भून चुका है। अब हम इसमें मटर को ऐड कर देते हैं और ये हमारी फ्रोजन मटर है इसलिए हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। यदि आप में फ्रेश मटर यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसे भून लीजिएगा या पहले से बॉईल कर लीजिएगा। इसमें मैं हाफ टी स्पून नमक मैंने मसाले में ऐड की थी, हाफ टी स्पून मैं और नमक ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मटर हमारा भून जाए मसालों के साथ, उसके बाद हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे। देखिए मटर हमारा भून चुका है, अब हम इसमें पनीर को ऐड कर देते हैं। हमने पनीर को क्यूब के शेप में काट लिया है, 200 ग्राम पनीर को। और पनीर हमें इस तरह से काटना है, ना ज़्यादा वो मोटा हो, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा। देख सकते हैं आप हमारे पनीर की साइज़। इसमें थोड़ी सी पानी मैं ऐड कर रही हूँ और इसे मिक्स कर देते हैं। जिस तरह की ग्रेवी आपको चाहिए आप उस हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। मैं ये बॉल्स दो बॉल पानी ऐड कर रही हूँ और इसे थोड़ा सा 5 मिनट हम ढककर पकने देंगे। और जैसे ही हमारी ग्रेवी थोड़ी सी ठीक हो जाती है 5 मिनट के बाद, उसके बाद हम इसे हरे धनिया से गार्निश करेंगे। तो चलिए इसे 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। फ्लेम गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। पाँच मिनट के बाद हम इसे फिर से चेक कर लेते हैं। गरम मसाला जो हमने हाफ टी स्पून बचा के रखा था उसे भी हम साथ में ही इसमें ऐड कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी कितनी अच्छी कलर आई है सब्जी की। और इसे गरम मसाला मिलाकर 5 मिनट के लिए पकाते हैं, ढक देते हैं इसे। पाँच मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए ये सब्जी हमारी बन गई है, गैस को बंद कर लेते हैं और इसे चलिए एक बोल में सर्व करते हैं और इसे हरे धनिया से सजाकर सर्व करते हैं। सब्जी हमारी बनकर रेडी हो गई है, आप इसे जिस तरह से चाहें सजाकर सर्व कर सकते हैं। थोड़ी सी हमने घर की मलाई को फेंट ली है, आप चाहें तो बाहर का क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते हैं, बस इतना ही हमें डालना है। थोड़ी कोरिएंडर लीव्स, और ये थोड़ी सी मैंने नारियल को, कच्चे नारियल को ग्रेट कर लिया है। तो ये हमारी सब्जी बनकर सर्व के लिए रेडी हो गई है। मटर पनीर की सब्जी आपने पहले भी बनाई होगी, एक बार मेरी रेसिपी को भी ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।